गोशे कुमरुल औलिया हजरत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद कासिम अली शाह साहब बुखारी दामत बरकातहु अलालिया को आप तशरीफ के प्यासे न्यासे अपने मलफूजात नाल सारे दुनिया को महजूस फरमाए से मैं से तुसे एक नारा सुनाओ नारा तकबीर नारा रिसाला नारा हैदरी 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 नारे तकबीर नारे रिसाला नारे तहकीर नारे हैदरी आस्था लालिया गोला शरीफ आस्था लालिया मेहरावा शरीफ मैदान इमाम अल वासिलीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कूनु इबादल्लाहि इख्वाना सदकल्लाहुल अज़ीम सुभान अल्लाह व हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ातुहु लिकुल हौलि मिनल अहवाल मुख्तलिफ या रब्बे बिन मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वाग़फिर लना या ज़ल जूद वल करम तेरे जाने की खबर ने दिल हिला दिए हैं सुभान अल्लाह एक लम्हे ने हमारे गम बढ़ा दिए हैं सुभान अल्लाह हजरत मोहतरम सुभान अल्लाह आज दिए तकरीबे सईद मेरे बरादर अकबर बरादर मुअज़्ज़म हजरत अल्लामा सैयद हाफिज़ मोहम्मद जाफरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्हा के बाद मेरा नंबर है और मेरे को त्रै छोटे मैं उन्होंने जिंदगी को बखूबी जानता मेरे वालिद करीम हजरत हाफिज सैयदुल औलिया हाफिज मोहम्मद कमरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका जड़ी निवार विशाल किया मैं सफर तो आम रहा थे मेरे भाई साहब को सफर दे आपने रवाना फरमाया देखने वाले जेड़े दोस्तों को दसते हैं कि अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने जल्द आपको रवाना किया मुसाफा इस तरह फरमाया जिमें अलविदा ही मुसाफा हो और भाई साहब सफर दे ही हैं तो मेरे वाले साहब का इंतकाल किया हर बाप चाहते कि मैं अपनी औलाद की सब तो अच्छी तरबियत करा सब तो बेहतर तरबियत करा और हुने ही अल्लामा अहमद रजा आदमी साहब की नोतुसा हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन दी सलामुल्लाह अलैहिमा दी शान सुनिए जिन्हा दी तरबियत सैयद अलंबिया की कीते होए उन्हां दी तरबियत दा क्या आलम हो सी
और वाली हर तरबियत चलते चलते हुसैन पाक की नो इमाम जैन उल आबदीन ने कही। इमाम जैन उल आबदीन के सामने जड़े वेले सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद थी गए, आपके भाई आपके अजीज शहीद थी गए, इमाम जैन उल आबदीन ने कोई गम का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि आपने क्या फरमाया, इन निल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दल हरम बल्लग सलामी रौजतन फी हन नबी अल मुहतरम। इतना अजीम सदमा सामने आ, लेकिन इमाम जैन उल आबदीन ने ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नाना जान को याद फरमाया, अजीम सदमे अजीम सूरत को याद फरमाया। इमाम जैन उल आबदीन ने फरमाया, मन वजह शम्स दुहा, ऐ बादे सबा मेरा पैगाम हस्ती दी बार कर पहुंचा, जिन्हां दा चेहरा चमकता दमकता आफताबे, मन खद्दहु बदर तो जा, जिन्हां दे रुखसार मुबारक अंधारी रात दे अंदर चौड़ी दा चंद्र, मन जातहु नूर अल हुदा, जिन्हां दी जात हिदायत दा नूर है, मन कफहु बहर अल हिमम, जिन्हां दा हथेजा हिमतां दा बहर ते समंदर है। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे भाई हजरत सैयद जाफर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की अच्छी तरबियत फरमाई, सबसे पहले कुरान मजीद की तालीम दी, 27 सिपारे आपने खुद पढ़ाए हिफ्ज कराए, और 3 सिपारे मेरे भाई साहब ने अल्लामा कारी नजीर अहमद साहब लैलपुरी को पढ़े, सब तो बड़ी दौलत कुरान अजीम। क्या बात है हुजूर, आपने फारसी भी पढ़ी, वाला आपको मुल्तान शरीफ भेजा, अल्लामा हिदायतुल्लाह पिसरौदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे के अंदर पिसरौदी साहब के मदरसे के अंदर आप पढ़ते रहिए मुमताजाबाद हिदायतुल कुरान, वालू के बाद गोगड़ा उस्ताद उल उलमा मौलाना शाह मोहम्मद साहब, और मेरे अजीम अम्मे मुकर्रम चचा उस्ताद उल उलमा हजरत पीर सैयद फखरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह आप दे कोल पढ़ते रहिए, और मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे भाई साहब को इब्ने माजा पढ़े दें खुद, क्या बात है, और मेरे को फरमा दें तो बिरा दे नाल मैं सुनेगा सुभान अल्लाह। मेरे वाले करीम अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मिश्कात शरीफ आपके कोल पढ़िए अपने वाले करीम को, मेरे वाले साहब कोशिश की थी कि जेडी सारी औलाद इमाम उल वासिलीन की सही जानशीन बने, क्या बात क्या बात है, और हमेशा जितने भी सारे मेरे अकाबरीन बुजुर्ग तशरीफ फरमा है इन्हां दी सूरत उते जितना भी असर है इमाम उल वासिलीन दा, बेशक मेरे चचा उस्ताद उल उलमा हजरत पीर सैयद जफर अली शाह साहब मौजूद हैं, जेडे ई वक्त शेख उल हदीस भी हैं शेख उल तफसीर भी हैं, बेशक और सादगी दी कोई हद कहीं नहीं, और सारे खानदान नाल बेहद मोहब्बत रखनी, मेरे चचा मुकर्रम हजरत पीर सैयद अताउल्ला शाह साहब तशरीफ फरमा है, जी हाँ मेरे वाले दे गिरामी का जनाजा पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह सारे आए हस जान, सारा मान भी है, और साढ़े सारे बुजुर्ग जो मेरे चचा हजरत पीर सैयद फजल अली शाह साहब, और करीब ही साढ़े अजीम चचा हजरत पीर सैयद असगर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दा विसाल थे वो जेले अपने हुजरे चो निकलदे अपने असाद नाल मस्जिद जावे रहा इवे मालूम थी ना जी मेरे वालिद करीम मस्जिद जा रहे, और मेरे वालिद करीम साखो कढ़ी साडे चचा जान दा नाम ना सदने ने
आप फरमाने ना अपने चाचा को आप फरमाना जो चाचे को सोने से ही सड़ो ये चाचा को ही तरह सड़ो मेरे भाई साहब हजरत सैयद जाफर अली शाह साहब एक नूरानी पैकर बिला मुबाला और आखिरी दम जली उन्होंने सूरत ही बिल्कुल हु बहु अबाजी वाली और वल मिलाद शरीफ की एक महफिल दूजी महफिल की तरफ आवना मिलाद शरीफ के अंदर महफिल अटेंड करनी और मेरा भतीजा सैयद असद इमाम औलाद को सरकार की नात पकवाना ये कोई ऐब नहीं दरअसल दुनिया की दौलत ही हुजूर की नात है औलाद को इल्म पढ़ाना अच्छी तरबियत करनी ये अच्छा क्या बात क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चचा मुकर्रम हजरत पीर इनायतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह दामा इकबाल हो तशरीफ लेना है दुरूशी पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम नारे रिसाला नारे हैदरी तानालिया मेहरबान शरीफ तानालिया खवाड़ा शरीफ मैं आयत कहिए कूनू इबाद अल्लाह इखवाना अल्लाह दे बंदो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह दे बंदो भिरा बन वंजो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बन वंजो क्या बन इबाद अल्लाह इखवाना आखिर भिरा कोई चीज होदे ना खुदा दे भिरा बन वंजो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई कोई चीज होदे ना खुदा फरमेदे सुभान अल्लाह और मेरे आका ने फरमाया अल मरो कसीरन बे अखी है जवामे अल कलम दे विचो एक हदीस सुभान सरकार ने फरमाया अल मरो कसीर उन बे अखी है बंदा अपने भिरा नाल ढेर होदे बहु होदे वाह वाह सुभान अल्लाह हुना के जेड़ा भिरा में बसे चलते जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहनी अखामणी बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाए मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से मुर्दा जमीर नाल ताजीम निथी नी ताजीम हमेशा जिंदा जमीर करे और मेरे बिरादर मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेहद खिदमत की थी मेरी वालदा माज तक रोजाना फजर की नमाज के बाद हाजिरी देवड़ी सुभान अल्लाह और मैं आखिरी महीना रेधा नहीं हां कि आप वालदा साहब को जेड़े वेले यान दुआ करवा दो सुभान अल्लाह दुआ करवा दो रोजाना जेड़ा बंदा अदब की नीयत नाल एहतराम की नीयत नाल खिदमत की नीयत नाल अपनी वालदा की ज़ियारत करे बाद लोग ज़ियारत को हल्का समझते हैं ज़ियारत का बड़ा मकाम है अगर इबादत साडा असल मकसूद हो दुनिया च मौत कहना हो अल्लाह हर कहीं को तंदुरुस्त सेहतमंद रखे बस इबादत ही करो लेकिन एक ही अगर वजने और अगर जहां मकाम है वो मकाम है ज़ियारत है मकाम है इबादत की चलते मकाम है ज़ियारत की तरह वजने और जितना ज़ियारत थी बनी उसका हुक्म है कि कोई फौजी वजे जेड़ा भी विशाल कर वजे इस्तंजा करो वुजू करो गुस्ल कफन कस्तूरिया खुशबू अत्तर अंबर नाल धवा दे तो इज्जत तकरीम नाल कब्र पहुंचाओ और कब्र के अंदर केदा दीदार थी बनी कब्र के अंदर केदी ज़ियारत थी बनी है और कब्र वाला जहान कोई हल्का जहान नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाहिरी हयात ए तैयबा 63 साल कितनी 63 साल और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद किरामी ने सारी जिंदगी इत्तबाए रसूल ने गुजारी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी अल्लाह ने सन हिजरी के मुताबिक 63 साल उम्र अता फरमाई और मौला अली दा जिक्र सुनते पे आवे मौला अली ने फरमाया सरकार दे विसाल मुबारक दे बाद कलाम का बड़ा लंबा है मौला अली फरमाने ला खैरा बादा का फिल हयात है या रसूल अल्लाह तो हाडे वंजन दे बाद जिंदगी च कोई खैर नहीं व इन्नहा आपकी मसाफतन सुभान अल्लाह अय्यतुल हयाती सुभान अल्लाह
فرمایا میرے کو خوف ہے کہ میری زندگی 63 سال کی ود نہ بنے. اللہ نے جو حضور کو 63 سال عطا فرمایا یا اللہ میں کو اتنی زندگی عطا فرما, اور مولا علی دا جملہ اللہ دی بارگاہ قبول کیا, اللہ نے آپ کو بھی سنت کے مطابق 63 سال زندگی عطا فرما. مخافت نعیت الحیاتی, اور جب خاتون جنت سیدہ سیدہ تو نساء العالمین سبحان اللہ, آپ کا وصال تھے تو مولا علی نے کیا لکھے ہے, کلام کا بڑا طویل ہے لیکن میں آخری شعر پہ پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, مولا علی فرمینن وَإِنَّا اِفْتِقَادِ بَعْدَ فَاطِمَن سبحان اللہ وَإِنَّا اِفْتِقَادِ وَإِنَّا اِفْتِقَادِ بادا کا بہنا افتقادی فاطمہ بادا کا, یا رسول اللہ تو ہاڑے بعد بی بی فاطمہ تو زہرا کو کھوڑے بڑا, یعنی انہاں دی جدائی میرے واسطے ہی رہے. مولا علی فرمائے دلیل علی یدوم خلیل, اس چیز دی دلیل ہے کہ دنیا وچ کہیں دوست باقی نہیں رہا, کہیں دوست باقی نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ خاتون جنت دے صدقے, خاتون جنت دی نالین پاک دی خاک دے صدقے میرے بھائی سید جعفر علی شاہ صاحب دے درجات بلند فرماوے, اللہ انہاں دی مغفرت فرماوے, اور میرے بھتیجے سید نوازش علی شاہ صاحب, سید محسن علی شاہ صاحب, سید اسد امام, اللہ تعالیٰ انہاں کو عظیم صدمے دتے جن دے اندر اسیں برابر دے شریک ہیں, صبر جمیل دی توفیق عطا فرماوے, اور جتنے بھی سارے متعلقین محبین انہاں دا درد اسا پڑھیا بھی ہے لکھا بھی ہے, اللہ تعالیٰ میرے بھائی صاحب دے درجات بلند فرماوے. ہن میں اپنے عظیم چچا استاد العلماء حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب دامہ اقبال کو گزارش کرے سا آپ تشریف دینا سے نہ اپنے ملفوظات عالیہ دلال مستفید کرے سن. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے, اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے, متا موقع چکا زندگی